हम इस वक्त निरंकारी ग्राउंड में हैं, बुराड़ी के पास है, और जो सरकार ने किसानों को यहाँ जगह दी है अब इनको प्रोटेस्ट के लिए, और लगातार जो किसान पंजाब से हरियाणा से आ रहे थे उन्हें रास्ते में रोका गया था, बैरिकेडिंग हुई थी, पानी का बौछार किया गया उनके ऊपर, आंसू गैस से गोले छोड़े गए, और फाइनली अब उनको इस ग्राउंड में जगह दी गई है और इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। और कई सारे जो किसान हैं जो वहाँ से आए हैं, पंजाब से, हरियाणा से, और दिल्ली के जो लोग हैं वो सारे लोग यहाँ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन लोगों की मांग है और कैसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जसकरण सिंह कानसिंहवाला, किसान यूनियन अमृतसर का मैं प्रेजिडेंट हैं, ते किसान मोर्चा शंभू 2 महीने तो लगातार शंभू बैरीयर से असं दिन रात चल रहे हैं, किसानों के दर्द में लेके, मजदूरों के, छोटे व्यापारियों दर्द में लेके चल रहे हैं। तो 26 ते 27 की कॉल दी जी जथेबंदियों ने, असी फिर सब तो पहला 26 वाले दिन 35 किलोमीटर का सफर तय करके एजेंसियों को भाजड़ा पा गया, असी पैदल तुर के ही, असी हम पैदल ही तुरकर अंबाला आ गए, पुलिस ने हमको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके फिर ले गए। फिर वो उस दिन किसान इकट्ठे हुए और हम और सभी ने रल के वो नाका तोड़ दिया, नाका तोड़ के इंटर आ गए। फिर अगले दिन कल मैंने कल खालसा राज का जो पहला जत्था है जो कह सकते हैं जो निरंकारी ग्राउंड में आया है, पहला जत्था निरंकारी ग्राउंड नहीं, दिल्ली में सबसे पहले ट्रैक्टर लेके हमारा जत्था यानी कि पंजाब में आया, पंजाब का जत्था आया। हम जो बॉर्डर है ना वो मुरथल बॉर्डर, मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे जो लोग हैं, चाहे मीडिया हो या बहुत सारे नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग जो किसान हैं वो गुमराह हो किया गया, उनको भटकाया जा रहा है, उनको ना वो किसी दूसरों की बातों में आ रहे हैं। ना किसान आज गुमराह हुआ, ना कल हुआ, ना होगा, और मोदी और मोदी का लाना सब गुमराह हो गया। तो क्या मांगे अब आप लोग? मांगा हम कह रहे हैं जो है हम के आर्डिनेंस को लेकर उन्होंने 3 काले कानून बना दिए, ये कानून है, पहले तो है प्रोड्यूसर, ये किसान के विरोध में, दूसरा है खपतकार जो तुम ते हम है खाने वाले, तीसरा है ये इंडस्ट्रियलिस्ट अदानी अबानी, ये तीनों के लिए कानून बनाए। पहले तो मोदी बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, हम MSP ख़त्म नहीं करेंगे और खुली मंडी रखेंगे। MSP तो पहले ही है, वो तो ख़त्म हो ही नहीं, ओपन मार्केट तो पहले ही है, किसान कहीं भी बेच सकता है, ये झूठ बोल रहा है। दूसरी बात, जे MSP नहीं तोड़ेंगे कणक पे, झोने पे, दालों पे, 36 चीज़ों में MSP है, ये MSP यूपी में MSP तो लागू ही नहीं है, कैसे? ये आपका जो चावल है, झोना है, जीरी है, वो उसका रेट 1868 रुपये है, और यूपी में तो MSP को तोड़कर 900 में व्यापारी खरीद रहा है, और 200 रुपया किराया पंजाब का 1100 ते 768 पहले व्यापारी ने वहाँ लूट लिया, फिर लूट लिया MSP का जनाजा निकल गया। और पंजाब में मक्की हो रही, मक्की का हैगा 1439 रुपये व्यापारी को, ये भी हमारी मक्की 600, इस करके दूसरे पर खपत को क्या? एक बात कहा जा रहा है कि किसानों को उनका मतलब खुले मार्केट मिल जाएगा, कहीं भी बेचो, खुली मार्केट तो पहले ही है, और नहीं तो पहले ही है, कहीं भी बेच सकता है। एक बात और कही जा रही है कि आप लोगों को ना कांग्रेस पार्टी की भी पंजाब में सरकार है तो वो आप लोगों को उकसा रही है इस तरह का धरना हंगामा करने के लिए, बार बार आप भी सुन रहे होंगे, इसके ऊपर क्या कहेंगे? वो तो कांग्रेस का क्या मामला है, कांग्रेस में तो यही आई भी नहीं, कांग्रेस का भी उतना कसूर है, पहले कितनी जत्थेबंदी 2019 में एक मीटिंग हुई थी कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से, मनप्रीत आया था, केजरीवाल थे और गहलोत थे राजस्थान के और हिमाचल के, ये सभी चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर ने यही आपके साथ और भी लोग हैं ना, आप लोग सारे लोग यही जस्ट कर दिया था, हाँ। कांग्रेस ने तो इसको मान लिया था, अब कांग्रेस रो रही है, हम कांग्रेस को कैसे गुमराह करेगी, कांग्रेस ने तो हमारा दोबारा सटाया, मतलब हमारी पार्टी सरकार है वो ऐसे कर रही है, वो देखिए जो जो आप है, आप अच्छे हो, आपके बारे में जो कोई आदमी वो जेलसी करे तो आपको माड़ा कह देगा, इसीलिए जेलसी कर रहे हैं, कांग्रेस का कोई नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संसार सिंह है। कहाँ से आप हैं? मैं श्रोमणी अकाली दल अमृतसर से हूँ और सरदार सिमरजीत सिंह मान साड़ी पार्टी है। मुझे एक बात बताइए कि पिछले 2 दिन से आप लोग कल आए चले थे वहाँ से, कितनी परेशानियाँ हुई, कैसे आप लोग यहाँ पहुँचे? बहुत मुश्किल हो, देखो एक गल ये है कि भी जिस तरह तुम देखा कि जगह 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 बार्डर सील किए गए ने, फिर सब तो बड़ी गल ये है कि ये नैशनल हाईवे है,
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਲਾਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਡੇ ਪੱਟੇ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਡ ਪੱਟੇ ਹੈ, ਖੱਡਾ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਰਸਤੇ, ਹਾਂ ਖੱਡਾ ਕਰ ਦਿਆ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੱਟਰ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਵੇ ਰੋਕਣੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਆਪਕਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਕੱਤਰ ਦਿੱਲੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ? ਅਗਰ ਹਮ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰੇ ਕਿ ਆਜ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋੜ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾਏ ਔਰ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾਏ ਔਰ ਨਾਨੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ ਕੇ ਕੁੱਬ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਦੇਖੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਲਈ ਆਇਆ ਜੇ ਤੋ ਦੇਖੀ ਕਿਸ ਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸਕਾ ਕਿਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਨਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਆ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ, ਕਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀ ਰੋ ਰਿਤੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਨਕੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੋ ਕਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਨਕੋ? ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਰਤੀਦਾ ਕਰਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਉਸਸੇ ਨੀਚ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਭੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ। ਲੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਬ ਕਿਆ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈਂ ਆਪ ਲੋਗ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਡਾਲਾ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ? ਯੇ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਪੇ ਡਾਲਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਮੋਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਡਾਲਾ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਰਸਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨੋ ਭਾਈਓ ਕੇ ਸਾਥ, ਕਿਆ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਯੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣੇ ਕਾ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਹਮ, ਕਿਆ ਹੈ ਹਮ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ।